Dear students, Pragya Academy online classes. Welcome in Pragya Academy online classes. हाँ बच्चों, मैंने आपको पिछले टर्म में टैक्सोनॉमिक एड में आपको बताया था. टैक्सोनॉमिक एड का मतलब आपको बताया था हाउ कैन या वेयर वी आर रीड या प्रोसीडर कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम डाइवर्सिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टडीज आइडेंटिफिकेशन अकरेंस एंड क्लासिफिकेशन. That procedure and continuous process is called taxonomic head. जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 methods include किए थे. इसमें एक था आपका herbarium, museum, botanical garden, zoological park और national park and taxonomic key. आपको मैंने herbarium बताया था, museum बताया था, botanical garden आपको बताए थे. अगला आता है जूलॉजिकल पार्क या जू. तो जूलॉजिकल पार्क या जू और जूलॉजिकल पार्क. देखिए जू और जूलॉजिकल पार्क जहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा जयपुर जू देखा होगा आप लोगों ने. आपके नियरेस्ट जयपुर जो जू है, वैसे हर बड़े शहर में जू है. जू में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स और वेरियस प्लेस से लाकर एनिमल को. जैसे अब मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे जू में जाते हैं और एलिफेंट देख रहे हैं या टाइगर देख रहे हैं या लायन देख रहे हैं, ये सब उसका नेचुरल हैबिट्स नहीं है, इनको कहीं दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर कंजर्व किया जाता है. तो ऐसी जहां पर कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं इस सीटू कंजर्वेशन. तो जू क्या होता है, छोटा सा जू क्या है, इट इज स्मॉल इस सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल. एनिमल का इस सीटू कंजर्वेशन है, एनिमल्स का इस सीटू कंजर्वेशन जिसमें वाइल्ड एनिमल्स तमाम टाइप के एनिमल्स को इन जू वेरियस टाइप वाइल्ड एनिमल एंड endangered animal jerd rare animals are protected. As elephant, zebra, giraffe. Rhinoceros, snakes, python, cobra, python, manicured fishes, and birds. Deer, lion, tiger, panther, leopard, etc.
लपार्ड, स्टेटन। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत से टाइप के एनिमल का कंजर्वेशन होता है। और ये सर आप देखिए, जब भी आप जाते हैं कहीं जो गए होंगे, राजस्थान भी जाइए कहीं भी जाइए, तो जो एनिमल का केव होगा, एनिमल केव होगा, उसका पिंजड़ा होगा, और उस पिंजड़े के बाहर मान लीजिए ये एनिमल केव है, उसमें एनिमल होगा, केव में क्या होगा, एनिमल। और इस जगह पर वहां पर एक वहां पर पैसे रहेगा, उसका नेम रहेगा, नेम उसका साइंटिफिक नेम रहेगा, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, उसका हैबिटेट रहेगा, मेनली कहाँ मिलता है, उसका फीड रहेगा, क्या खाता है, और उसको कहाँ से लाया गया, वही लोकेलिटी है, फीड है, और इसका गेस्टेशन भी लिखा रहता है। इतना सब लिखा रहता है आपका, ये उसमें लगा होता है टैग, तो इस टैग में सब लिखा रहता है और हम उसको अध्ययन कर लेते हैं। तो ये कहाँ, इसका क्या लिखा होगा, नेम एंड साइंटिफिक नेम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम और वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा टाइग्रिस पैंथेरा लिगुलस जो भी है, हैबिटेट लोकेलिटी कहाँ से मिली मिलता है, हिमालय में मिलता है, राजस्थान मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, कहाँ पर मेन है, फीड वो क्या खाता है, हर्बीवोरस का ऑर्निवोरस लगभग, उसकी फीमेल का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, माने अलग अलग पीरियड होता है 9 मंथ्स या जितना भी जो भी है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये होता है आपका जू। अगले मान लीजिए बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन सर मैं पिछले वर्टन में बता चुका था, लेकिन चलिए मैं फिर से देख रहा हूँ, हो सकता है मैं बताया हूँ। तो बॉटनिकल गार्डन अगला आता है, बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल बॉटनिकल गार्डन देखिए ये लॉन्ग लॉन्ग एरिया होते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होगा, लॉन्ग एरिया, बहुत बड़े एरिया में रहेगा, तो लॉन्ग एरिया होगा बॉटनिकल गार्डन। क्या होगा, इट इज लॉन्ग एरिया, लार्ज एरिया, लॉन्ग एरिया, लार्ज एरिया स्प्रेड एक से टू कंजर्वेशन, एक से टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स का एक से टू कंजर्वेशन होता है, बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है। तो जैसे इंडिया में है 273 एकड़ में है आपका इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ पर क्या होता है, प्लांट कंजर्वेशन है, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, मेंटल प्लांट, स्पाइसेस प्लांट, मसाले वाले प्लांट, इकोलॉजिकल इस तरह से आपका रहता है प्लांट्स कलेक्शन। अब इसमें दोनों टाइप का कलेक्शन होता है, लिविंग प्लस, जैसे जू में क्या होता है लिविंग, और इसमें कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन यहाँ पर होता है लिविंग प्लस प्रिजर्व। देखिए इसी में हर्बेरियम भी यहाँ पर मिलते हैं, प्रिजर्व फॉर्म में क्या रहता है, हर्बेरियम, प्रिजर्व फॉर्म क्या होगा, हर्बेरियम, प्रिजर्व फॉर्म में यहाँ हर्बेरियम मिलेगा। तो प्रिजर्व फॉर्म में यहाँ पर हर्बेरियम हो जाएगा।
हाँ तो देखिए इसमें लिविंग भी होते हैं और प्रिजर्व भी होते हैं, लिविंग एंड प्रिजर्व। हार्बेरियम जो इसमें मिलते हैं वो प्रिजर्व रहता है। और अब आपको मालूम है इंडिया का जो वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, दैट नेम इज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन गार्डन इन वर्ल्ड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्यों रॉयल बोटेनिकल गार्डन? क्यों इंग्लैंड? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो कहां पर है? क्यों इंग्लैंड में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड इन इंग्लैंड। तो सबसे बड़ा गार्डन की हम बात करें वो कहाँ पर है? वो है इंग्लैंड में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन अगर आप जाते हैं तो वो मिलता है आपको इंग्लैंड में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड। फिर बात आती है अब आपका इंडिया में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, तो है लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया वो है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन पर गार्डन शिवपुर कोलकाता या हावड़ा कुछ भी है, शिवपुर कोलकाता, कहीं कहीं हावड़ा भी लिखा होगा, हावड़ा हावड़ा भी लिखा हो वो भी सही है, हावड़ा हावड़ा लिखा हो तो सही है, कोलकाता लिखा हो सही है। तो कोलकाता में शिवपुर कोलकाता में वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा स्प्रेड इन 273 एकड़ एरिया ये इंडिया में है। इंडिया का सेकेंड आप मानते हैं नेशनल बॉर्डर, तो सेकेंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया नेशनल बॉटनिकल नेशनल नेशनल बॉटनिकल रिसर्च गार्डन है। नेशनल रिसर्च बॉटनिकल गार्डन ये लखनऊ में, उसे 70 एकड़ एरिया नहीं है, केवल 70 एकड़ एरिया नहीं है। यहाँ पर आपका हर्बेरियम में आपको बताया था कि जो ये वाला गार्डन है यहाँ पर करीब 5 मिलियन प्लांट का प्रिजर्वेशन है, इसमें 6.5 का प्रिजर्वेशन है। यहाँ पर भी आपका करीब 1 मिलियन के आसपास का यहाँ भी प्रिजर्वेशन है, तो बहुत बड़ा बड़ा प्रिजर्वेशन है। वैसे एक और बॉटनिकल गार्डन माना जाता है लॉयड बॉटनिकल गार्डन, थर्ड नंबर पे हम लेते हैं लॉयड बॉटनिकल गार्डन, थर्ड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, उनसे लिखते हैं लॉयड, लॉयड बॉटनिकल गार्डन। ये आपका है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में लोकेटेड है। तो इंडिया के तीन ये बड़े बॉटनिकल गार्डन हैं, ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है तीनों, ये तीनों आपके इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। अच्छा वैसे आपको सुना होगा आपने बेबीलोन के लिए, वो तो मतलब क्या माना जाता है, बेबीलोन हैंगिंग बेबीलोन है, हैंगिंग बॉटनिकल गार्डन है बेबीलोन में, उसे उसमें मानते हैं क्या? जो आपके सेवेंथ वंडर हैं उनमें माना जाता है, सेवन वंडर्स माना जाता है, सेवन वंडर्स के अंतर्गत आता है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। वैसे थियोफ्रेस्टस ने पहले सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन को जाना था, तो ये बॉटनिकल गार्डन में मतलब प्लांट के हम लिविंग को भी और प्रिजर्व को भी कंजर्व करते हैं। अगला आता है आपका नेशनल पार्क,
अगला आता है नेशनल पार्क, अगला आता है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। अभी दोनों आपने पढ़े ये इस सीटू कंजर्वेशन था, लेकिन नेशनल पार्क आपका इन सीटू कंजर्वेशन का। नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किए जाते हैं। उनका प्रोटेक्शन नेचुरल हैबिटेट होता है, वो अपने हैबिटेट में कंजर्वेशन किया जाता है। सो दैट्स कॉल्ड नेशनल पार्क। क्या होता है? लार्ज एरिया स्प्रेड, लार्ज एरिया स्प्रेड जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। क्या होगा यहां पर? यहां पर क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल, इन सीटू कंजर्वेशन और लिविंग एनिमल। देखिए यहां पर एनिमल कंजर्वेशन है, लिविंग है, लार्ज एरिया होता है, उसको कहते हैं नेशनल पार्क। लार्ज एरिया वाले को नेशनल पार्क, मतलब ऑर्गन यहां क्या होते हैं? नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, ऑर्गन कंजर्विंग नेचुरल हैबिटेट, वो सब होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इंडिया में लगभग 100 नेशनल पार्क हैं इस समय, अबाउट 100 नेशनल पार्क आर इन इंडिया। इंडिया में लगभग कितने हैं आज की डेट में? करीब 100 नेशनल पार्क। अब यहाँ पर बात आती है आपका फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम का इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इन इंडिया वो है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में उत्तराखंड, नेशनल पार्क ये उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में उत्तराखंड, यूपी का डिवाइडिंग एरिया है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, वो नैनीताल, नैनीताल चमोली के नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर ये उत्तराखंड में है ये इंडिया। इसमें क्या है? डियर है, एलिफेंट है, टाइगर है, इन सब का प्रोटेक्शन किया गया, राइनोसिराज भी है। तो ये सब जैसे आपके यहाँ है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये तो आप जानते ही हो, आपके सबसे नजदीक आपके ही डिस्ट्रिक्ट है नेशनल पार्क, ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर राजस्थान, और राजस्थान में कई है, भरतपुर में है, बर्ड के लिए है, तो वो है आपका केलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क भी है, केवलादेव नेशनल पार्क है आपका, कान्हा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है वैसे, लेकिन आपको एक काजीरंगा, काजीरंगा आसाम वाला याद रखना है, काजीरंगा आसाम में है और इसमें है राइनोसिरोस, राइनोसिरोस कंजर्वेशन मेन राइनोसिरोस के लिए, और आपके ये क्या कहते हैं ये गिरिसिंह, गिरी नेशनल, गिरी लाइन नेशनल पार्क,
गुजरात में है आपके, गुजरात ये आसाम में है और एक गुजरात में है, सौराष्ट्र में। और आपका एक आध पढ़ में अगर देखते हैं तो घाना, घाना या आपका भरतपुर, भरतपुर पढ़ में से पास। तो देखिए वैसे हर एक स्टेट के पास, जैसे यूपी स्टेट के पास दुधवा नेशनल पार्क है, एमपी के पास कान्हा है, पचमढ़ी है और बहुत से नेशनल पार्क हैं। तो ये सब आपके, और जैसे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, संजय गांधी है, तो कई से नेशनल हर स्टेट के पास है, तो लगभग 100 नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल एनिमल का कंजर्वेशन किया जाएगा, लेकिन ये सब उसके नेचुरल पार्क, जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क में डिफरेंस है। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो जू होते हैं, वो छोटे एरिया में होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक मतलब लिमिट एरिया है, और यहाँ बहुत लार्ज एरिया होता है। और वहाँ पर क्या है, तमाम टाइप के एनिमल को कहीं से ला कर वहाँ कंजर्वेशन करते हैं और आप लोग घूमने जाते हो। यहाँ पर क्या होता है, फ्री ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री अपने अपने एरिया में, और नेचुरल हैबिटेट होता है। तो स्प्रेड जूलॉजिकल पार्क है, लेकिन ये लार्ज एरिया में होता है और ये इन सीटू में आता है। और वो जो जूलॉजिकल पार्क है वो लार्ज एरिया स्प्रेड जूलॉजिकल पार्क, लेकिन क्या ये इन सीटू कंजर्वेशन है, केवल जूलॉजिकल पार्क नहीं कहेंगे, नेशनल पार्क नॉट जूलॉजिकल पार्क, जू इज द जूलॉजिकल पार्क, लेकिन जू की तरह यहाँ भी एनिमल है, बस डिफरेंस इतना है वो आपके माइंड में होना चाहिए। नॉट जूलॉजिकल पार्क, लार्ज एरिया स्पॉट जूलॉजिकल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन। और वो क्या था, एक सीटू, जू को ही जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, जू को जूलॉजिकल पार्क कहते हैं और इसको नेशनल पार्क कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जू का कंजर्वेशन है, बस ये था। और लास्ट अब आपका जाता है टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी की, टैक्सोनॉमी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इट इज द सेट ऑफ इट इज अ सेट ऑफ अल्टरनेट आर टू या कपलेट कॉन्ट्रास्ट करेक्टर कॉल्ड द की। की क्या है, इट इज अ सेट ऑफ, सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ अल्टरनेट और कपलेट, कपलेट या टू कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने अपोजिट, अपोजिट कैरेक्टर। तो इसमें दो कैरेक्टर, टू अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, अल्टर कनेक्टर, अल्टरनेट कैरेक्टर का जो सेट होता है उसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी की क्या होता है, आर्टिफिशियल एंड एनालिटिक, इट इज आर्टिफिशियल एंड एनालिटिक डिवाइस, एनालिटिक डिवाइस। इसमें क्या होता है, अब दो होते हैं, एक ईच को क्या कहा जाता है, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ईच स्टेटमेंट में इज कॉल्ड लीड, ईच स्टेटमेंट को लीड्स कहा जाएगा। और इसमें दो टाइप का होता है, और फॉर फॉर ईच टैक्सॉन, टैक्सॉन अ सेपरेट की, अ सेपरेट की, डिफरेंट या सेपरेट्स की, माने एक की में एक ही टैक्सॉन रहेगा, माने जैसे फाइलम के लिए सेपरेट, फाइलम के लिए एक की होगा, क्लास के लिए से दूसरा होगा,
इसके लिए माने सेपरेट, इसके लिए दूसरा, ऑर्डर के लिए तीसरा, फाइलम के लिए, जीनस के लिए अलग, स्पेसीज के लिए अलग, और जितने भी ये टैक्सॉन होते हैं सबके लिए एक डिफरेंट की होती है, सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट की होती है टू तक की। और की में अब आपको मालूम है टू होते हैं की है टू, अब टू होते हैं इसमें एक होता है इंडेंटेड, इंडेंटेड और एक होता है ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड। तो आप इंडेंटेड में क्या होता है, देखिए एक जो सेट होता है वो होता है उसका चूजेन करेक्टर, देखिए एक सेट में क्या रहेगा सेट, तो एक में होगा चूजेन प्रेजेंट करेक्टर और दूसरे में क्या होगा एब्सेंट करेक्टर, एलिमिनेशन, एलिमिनेट, एक उसमें चूजन करेक्टर होगा और एक उसमें एलिमिनेट करेक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखिए आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर एग्जाम्पल में देखता हूँ जैसे किसका किसका सिक्स एनिमल ले लेता हूँ, फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, पैट और कैट, ये देखिए सिक्स आपके वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर देखिए तो अब आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब एक्सटर्नल ईयर इसमें सिर्फ दो से पास होता है, बैट एंड कैट, बैट एंड कैट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब बैट और कैट है, अब इसमें बैट और कैट को कैसे अलग करेंगे हम, दोनों के पास होता है, तो अब यहां पर एक हो जाएगा विंग प्रेजेंट, विंग प्रेजेंट, तो क्या हो गया वो बैट, और विंग एब्सेंट, विंग एब्सेंट क्या हो जाएगा वो कैट। ये आपका हुआ इंडेंटेड करेक्टर, इंडेंटेड। अब इसके बाद आपका हो जाएगा इन सब में कोई भी के किसी के पास आपका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, अब एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, ये दूसरा हो गया एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, ईयर एब्सेंट। अब इन सभी सिक्स इनमें सब में इसमें भी अब्सेंट, इसमें भी अब्सेंट, सब चार हो गए एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट। अब इनको हम कैसे अलग करेंगे, तो इसमें एक आपका हो जाएगा मान लीजिए बर्ड को अलग कर सकते हैं आप आसानी से, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट विंग प्रेजेंट, विंग प्रेजेंट, वो सिर्फ किसके पास हो जाएगा बर्ड के पास, बाकी किसी के पास एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब आपका इसके बाद हमारा आ जाता है, अब हम आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम चले जाते हैं गिल्स में, गिल्स, गिल्स प्रेजेंट, गिल्स प्रेजेंट कौन हो जाएगा फेस, और गिल्स एब्सेंट, एब्सेंट में कौन हो जाएगा गिल्स प्रेजेंट, गिल्स एब्सेंट में हो जाएगा आपका स्नेक। अब फ्रॉग रहेगा हमारे पास, फ्रॉग को कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे, फ्रॉग को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, तो फ्रॉग भी आप फ्रॉग को आइडेंटिफाइड हम कैसे करें, तो देखिए गिल्स वाला हो गया और उसमें अब फ्रॉग को आइडेंटिफाइड कर गिल्स उसमें भी नहीं रहेगा, गिल्स नहीं रहेगा, लिम्स रहेंगे, तो लिम्स प्रेजेंट, तो लिम्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट वो हो जाएगा फ्रॉग, और स्नेक के पास लिम्स नहीं होते हैं। तो देखिए ये आपके सब ब्रैकेटेड फीचर है, ये सॉरी इंडेंटेड, ये सब फीचर क्या हुए इंडेंटेड, ये तीसरा फीचर मान लिया, ये चौथा मान लिया, पांचवा मान लिया, ये क्या है इंडेंटेड, इंडेंटेड। और इसका ब्रैकेटेड फीचर अगर आप देखना चाहें तो ब्रैकेटेड फीचर भी आप देख सकते हैं, ब्रैकेटेड क्या है फर्स्ट जैसे इसके लिए हम ले देते हैं, तो ये एक्सटर्नल ईयर ब्रैकेटेड,
ब्रैकेट। अब उसमें क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट फर्स्ट हो गया और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट सेकेंड हो गया, तो वो वहां पर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ब्रैकेट वाले को ब्रैकेटेड कहते हैं और उसको कहते हैं हम इंडेंटेड। तो इस तरह से ये आपका होता है। तो ये अब आपको टैक्सोनॉमिक एड में मैंने 6 कंडीशंस बताई, टैक्सोनॉमिक एड में मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई और वो 6 कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बताई मैंने, हर्बेरियम और म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क और की वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टैक्सोन के लिए एक अलग की होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और की में दो होते हैं, उनको लीड कहा जाता है। इसका मेडिकल में क्वेश्चन बहुत आता है, की में कपलेट होता है, अल्टरनेट होता है, एक उसमें प्रेजेंट करेक्टर होता है, एक एलिमिनेट करेक्टर होता है, माने एक उसमें पाया जाता है और एक उसमें नहीं पाया जाता है। तो उस आधार से आपको डिफाइन करना होता है की। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4-5 एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ह्यूमन का आपको बताया था, लेकिन आपका इसमें ह्यूमन का दिया गया है, इंसेक्ट का दिया गया है और एक आपका उसका दिया गया है ह्यूमन इंसेक्ट और आम और वीट, चार का दिया गया। तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन अगर आप करते हैं ह्यूमन, तो अब आप देखिए सबसे पहले इधर हो गया आपका, मैं सब आपको डिफाइन करता चला जा रहा हूँ और थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, जैसे चार्ट पूरा एक टेबल बना देता हूँ मैं। अच्छा, तो अब आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा नेम, ये हो जाएगा ऑर्गेनिज्म और फिर हो जाएगा आपका उसका किंगडम, फिर हो जाएगा फाइलम, फिर हो जाएगा क्लॉस, फिर हो जाएगा ऑर्डर, फिर हो जाएगा फैमिली, फिर हो जाएगा जीनस, फिर हो जाएगा स्पीसी, फिर हो जाएगा साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। अब पहला हो गया ह्यूमन, आपका अपना मानव। अब देखिए मानव का जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया। फाइलम है कॉर्डेटा, फाइलम है कॉर्डेटा। क्लास है मैमेलिया, क्लास है मैमेलिया। और ऑर्डर है हमारा होमोनिडी, होमोनिडी। और फैमिली है हमारी, नहीं ऑर्डर है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स और फैमिली है होमोनिडी। जीनस है हमारा होमो और स्पीसीज हमारी सेपियंस और वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और वैसे हमारे लिए एक नाम और आता है सेपियंस, सेपियंस दो बार हो जाता है क्योंकि हमारी सब स्पीसीज हो जाती है, होमो सेपियंस सेपियंस चला जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा तो फिर होगा। फिर ह्यूमन के बाद अगला हम ले लेते हैं इंसेक्ट का दिया, इंसेक्ट मान लीजिए काकरोच वगैरह, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। तो
तो ये रहेगा एनिमेलिया और ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और क्लास है उसका इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरा और फैमिली है उसकी मस्काइडी। का नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई है। लेकिन अगर काकरोच होता है किसका होता है पेरिप्लेटा अमेरिकाना, काकरोच का पेरिप्लेटा अमेरिकाना। तो इसके बाद फिर हम आते हैं, इसके बाद आप करिएगा गया मैंगो, मैंगो ये हो जाएगा प्लांट की, वो एनिमल है तो एनिमेलिया में हरित प्लांट की। इसका फाइलम है एंजियोस्पर्मी, और ये डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकोटिलेडॉन्स, और इधर आ जाता है उसका सेपेंडल्स, बेल्स, और इधर आता है उसका अनाकार्डेसी, अनाकार्डेसी, और जीनस होता है उसका मेंगी फेरा, मेंगी फेरा, और स्पीसीज होती है इंडिका, साइंटिफिक नेम होता है मेंगी फेरा इंडिका। तो ये हुआ आपका मैंगो। इसके बाद आपका वीट दिया गया है, वीट, वीट अगर आप दिया गया है वीट तो प्लांटी और एंजियोस्पर्मी मोनोकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स ये मोनोकॉट प्लांट है, और इसका होता है पोएल्स, पोएसी और ट्रिटिकम, ट्रिटिकम फेस्टिवम, ट्रिटिकम फेस्टिवम, अब आपको ये आपको दिए गए हैं, ये पांच चारों का मैंने आपको क्लासिफाइड कर दिया। तो देखिए आपको सात चीजें लेनी होती, मैंने आपको बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, फाइलम है, ये सात चीजें ही आपको लेनी है, और इन सात चीजों के बेस पर आपको स्टडी कर देनी है। तो अब आपको 19-7 के आधार पर आपको पूरा क्लासिफाइड कर देना है। तो ह्यूमन का अगर आपसे फाइलम पूछा जाए तो कार्डेटा, क्लास पूछा जाए तो एनिमेलिया। देखिए जितने भी एनिमल होते हैं उनका किंगडम एनिमेलिया होता है, जो भी प्लांट होते हैं उनका। प्लांट दो टाइप होते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट दो टाइप, डाइकॉट और मोनोकॉट। अब देखिए प्लांट के लिए कुछ एक स्पेशलाइजेशन होता है जिससे हम उनको आइडेंटिफाइड कर देते हैं, तो ये आपको टेबल ध्यान रखना है। तो साइंटिफिक नेम है ये उसका वनस्पति नाम, प्लांट के लिए वनस्पति नाम कहलाता है बॉटनिकल नेम, और एनिमल के लिए कहलाता है जूलॉजिकल नेम। तो वो आपको पढ़ाया था मैंने ICBN, ICZN, उसके आधार पर किया जाता है। और इसके बाद आपको कैसे फाइलम या उसको ये होता है फाइटा सर, फाइलम जहाँ पर आता है इसे तो वहां पर फाइटा या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन के लिए फाइटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ये सफिक्स होते हैं, सफिक्स इनको कहा जाता है सफिक्स। सफिक्स ऑफ टैक्सॉन,
देखिए डिवीजन के लिए फाइटा शब्द का प्रयोग होता है और क्लास के लिए डिवीजन और फाइलम एक ही होता है, क्लास के लिए ई का प्रयोग होता है और ऑर्डर के लिए एल्स का प्रयोग होता है, वो एल्स, और फैमिली के लिए एसी का प्रयोग होता है, फैमिली के लिए एसी का प्रयोग होता है, फैमिली के लिए एसी और क्लास के लिए ई, जैसे आपका रोजेसी है, रोजेसी तो वो चलेगा, और जीनस और उसके लिए तो कुछ है नहीं, तो वो आपको जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और वो स्पीसीज। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पूरा किया। फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या बताया गया, तो फर्स्ट चैप्टर में टैक्सोनॉमी और उसके बाद टैक्सोनॉमिक एड और आपको बायोनॉमिनिक्लेचर, आपको लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटीज के बारे में आपको जानकारी दी गई। तो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर आपका शुरू होता है सेकेंड चैप्टर, उसमें आपका पूरा क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी आपके किंगडम के बेस पर चलेगा। ठीक, ओके, थैंक यू। अब आपके फर्स्ट चैप्टर के जो 7-8 लेक्चर हुए हैं वो 7-8 लेक्चर सब आपको पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 777-20-26-164, फिर से नोट करिए 777-20-26-164, शुक्ला सर बोलते हैं। और आपको हर एक बायोलॉजी का कोई भी कहीं का प्रॉब्लम हो, बायोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को आप व्हाट्सएप से इसी नंबर से या किसी भी तरह से आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर आना चाहें तो आकर, अगर एक एक सिंगल करके आइए और अपने अपने प्रॉब्लम को, एक दो बच्चे मिलकर आइए और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए, स्कूल में भी आ सकते हैं, 12 से 3 में खाली रहता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू।